और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव को पास किया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिमाचल सरकार ने अध्यादेश को जो पेश किया उसके खिलाफ आपको बता दें कि प्रस्ताव है जो कि आज पेश किया गया है, ये प्रस्ताव पास हो गया है। मुख्यमंत्री बोले हैं हिमाचल प्रदेश ने जो अध्यादेश पेश किया है वो अवैध है, ये बड़ी जानकारी है। हिमाचल के अध्यादेश से हरियाणा पर बोझ बढ़ेगा और सीएम ने केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों पर से इसके संबंध में यह अध्यादेश लाया गया है और इसका विरोध किया जा रहा है अब, और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो चंडीगढ़ में यह बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अध्यादेश को अवैध बताया और इसको लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी है।